हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एचपीटेट मेडिकल के लिए बॉटनी और जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रेपरेशन कितनी बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज़ द इलॉन्गेशन ऑफ अ जेनेटिकली ड्वर्फ प्लांट इज़ पॉसिबल बाय एप्लीकेशन ऑफ। ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिंस, एक्सरेज, काइनेटिन्स या फिर जिब्रेलिन्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, इलॉन्गेशन ऑफ अ जेनेटिकली ड्वर्फ प्लांट इज पॉसिबल बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइसोसोम्स आर नोन एज सोसाइटल बैग्स बिकॉज ऑफ। बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, फेगोसाइटिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, पैरासिटाइजिंग ऑन न्यूक्लियस, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम्स आर नोन एज सोसाइटल बैग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उनको सोसाइटल बैग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफ अ प्लांट हिट्रोजाइगस फॉर टॉलनेस इज सेल्फ्ड द एफ टू जनरेशन हैज बोथ टॉल एंड ड्वर्फ प्लांट्स दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शंस आर डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सेग्रीगेशन, दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इज नॉन एज लिविंग फॉसिल। ऑप्शन दिए गए हैं, साइकस, झिंको, मेटासिक्यूया या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी जो हैं वह लिविंग फॉसिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज विच। ऑप्शन आर पोजेस मोनोकार्पेलरी ओवरी, फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू ईयर्स या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर। ऑप्शंस आर फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अ पावरफुल हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग एलएसडी लिसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शंस दिए गए हैं, निकोटियाना टैबेकम, पेपेवर सोमनीफेरम, क्लेविसिप्स परप्यूरिया या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, अ पावरफुल हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग लिसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लेविसिप्स परप्यूरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल ट्रैपिंग प्रीडेशियस फंगस। ऑप्शंस दिए गए हैं, डैक्टिलिया, निपेंथिस, वेलिसनेरिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, डैक्टिला। डैक्टिलिया जो है वह एनिमल ट्रैपिंग प्रीडेशियस फंगस है। इसमें एनिमल ट्रैपिंग प्रीडेशियस फंगस के बारे में पूछा गया है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह एक फंगस है, डैक्टिला जो है वह एक फंगस है और एनिमल ट्रैपिंग प्रीडेशियस फंगस यह है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर नाइन, कुकुरबिट्स आर बिटर ड्यू टू। ऑप्शन आर एसिड्स, एल्कली, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स या फिर बिटर सीड्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कुकुरबिट्स आर बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। ऑप्शंस दिए गए हैं, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर जैक्रिस जैनसन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, सिंपल माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय जैक्रिस जैनसन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट बट नॉट ऑफ एनिमल्स आर। ऑप्शंस
दिए गए हैं, पायरुविक एसिड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड सेल्युलोज, सेल्युलोज एंड स्टार्च, स्टार्च एंड पायरुविक एसिड. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट बट नॉट ऑफ एनिमल्स आर सेल्युलोज एंड स्टार्च. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. यह जो है वह प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक हैं. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइलेंट वैली विच हैज़ रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इज सिचुएटेड इन. ऑप्शंस दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर कोलकाता. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. साइलेंट वैली विच हैज़ रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इज सिचुएटेड इन केरला. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज. ऑप्शन दिए गए हैं दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, दे आर नॉन लिविंग, दे आर नॉन मेरिस्टेमेटिक या फिर दे आर अंडरगोइंग डिविजन्स. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर अंडरगोइंग डिविजन्स. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रिपल एंटीजन इज अ वैक्सीन अंगेंस्ट. ऑप्शन दिए गए हैं मलेरिया, टाइफॉइड या कैंसर, ट्यूबरक्यूलोस, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो एंड वूपिंग कफ, पोलियो, पॉक्स एंड रेबीज या फिर टेटनस, वूपिंग कफ या फिर डिप्थीरिया. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. ट्रिपल एंटीजन इज अ वैक्सीन अंगेंस्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. टेटनस, वूपिंग कफ एंड डिप्थीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन. ऑप्शंस दिए गए हैं स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्पस ल्यूटियम इन मैम्बल्स अकर्स इन. ऑप्शंस दिए गए हैं ओवरी एंड प्रोड्यूसर हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड प्रोड्यूसर हार्मोन, ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर या फिर स्किन एंड एक्ट एज अ पेन रिसेप्टर. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए. कॉर्पस ल्यूटियम इन मैम्बल अकर्स इन ओवरी एंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स. एमनियोटा में कौन से जो ग्रुप है वह इंक्लूडेड है. ऑप्शंस दिए गए हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेंबर्स, रेप्टाइल्स एंड मेंबर्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेंबर्स. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेंबर्स. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ले एग्स. ऑप्शंस दिए गए हैं स्केली एंटीटर, हेजहॉग, व्हेल या फिर स्पाइनी एंटीटर. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, स्पाइनी एंड ईटर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेस ऑफ यूरिया एंड ब्लड रिजल्टिंग फ्रॉम किडनी फेलियर इज नोन एज. ऑप्शंस दिए गए हैं यूरेमिया, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक या फिर यूरोक्रोम. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए. एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड रिजल्टिंग फ्रॉम किडनी फेलियर इज कॉल्ड यूरेमिया. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्काइज. ऑप्शन दिए गए सेपिया, ऑक्टोपस, नॉटिलस या फिर नियोपिलिना. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का इज नियोपिलिना. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. यह जो क्वेश्चंस थे यह HP TET मेडिकल के लिए थे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर कर लें. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय, टेक केयर.